अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं रुबीना नाज जमाल नाज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत गर्मी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी गर्मी है कि आपसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और आप भी जानते ही होंगे इधर बारिश नहीं हो रही है, कई जगह बारिश हुई है, यहाँ होने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए, होना चाहिए वैसे तो। अब तो मैंने जो प्लाजो कटिंग किया था उसको सिल लिया था कम्प्लीटली। तो उसमें का मैंने जो था गेटिस वगैरह नहीं लगाया था, उसे मैं जा रही हूँ लगाने, और फिर लगाकर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया है और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने अम्मी को। तो बहुत दिनों से उनका मन कर रहा था मेहंदी लगाने का, तो चलिए मैं लगाती हूँ कैसे मेहंदी। मेरे शाल फ्रेंड्स, मेहंदी निकल नहीं रहा था और काफ़ी दिनों का रखा पड़ा था, तो इसलिए मैंने उसको काट लिया। काट कर मोटा मोटा मेहंदी लगाया लगाना था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। झटाझट पटापट लगा लिया और आप देख रहे हैं कैसे मैं लगा रही हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मम्मी सोई हुई है, आनंद ले रही हैं अपना, और मैं लगा रही हूँ उनके पैरों में मेहंदी। ये मेरी मम्मी क्या बना रही है? मसूर दाल बना रही है क्या? मसूर की दाल बना रही है। ओ, कैसे बना रही हो मम्मी? डालेंगी मर्चा डालेंगी। देखो मम्मी ने ये सब काट रखा है, लहसुन मर्चा। अरे देखो नया स्टाइल में बना रही भाई। देखो भैया ये क्या, वो तेल में पानी पड़ गया है। और ये स्टाइल है, अच्छी हमारी बर्तन है। देख लो क्या मूलिया की बर्तन है, ऊपर बना रही हूँ। बहुत गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लस्सी है और बच्चे लोग लस्सी देते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए मम्मी आज बना रही है अपने से खाना। मूंग की दाल अच्छा नहीं लगती है। हाँ अच्छा नहीं लगती है। अच्छा ये है फौका, फौका लगा रही है तो हाथ जल जाता है। थोड़ा हल्दी डालेंगे, गरम मसाला है। हाँ, इंस्टेंट मसाला, गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला है, झटपट बनने वाला है। आज मजा आने वाला है ना। चलाएंगे क्या करें, आम नहीं मिल रहा है। आम नहीं मिल रहा है, मार्केट में इतने आम है। आम है तो क्या करें, गर्मी इतना है कि मैं जाने नहीं सकूं। आप है भूल गए हैं। इतना तेज छौंका मारी हो कि नाक से धुआं धुआं निकल रहा। मम्मी तो देखो, ये मम्मी कुकर का ढक्कन लगा दी है और दो सीटी आएगा फिर उसके बाद तैयार। बन चुका है और मैं जा रही हूँ नहाने, बहुत गर्मी है, शाम हो गया है, और नहा कर फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, अभी मैं नहा ली हूँ, नहा कर थोड़ा अच्छा फील हुआ है, अच्छा महसूस हो रहा है, रिलीफ मिला। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि घर में बहुत गर्मी है, तो हम मम्मी जा रहे हैं घूम कर आएंगे अभी। घड़ी में 8 बज रहे थे और हम माँ बेटी निकल पड़े बाहर टहलने के लिए। थोड़ी बाहर राहत थी, ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी था काफ़ी, और यहाँ बच्चे मिल गए। क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो कर रहे हो, बताओ क्या कर रहे हो? फोटो खींचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खींच रहे तुम सबका, खींच रहे। कितने में पढ़ते हो? दो में, दो दो में, दो में पढ़ते हैं, तीन में, हम तीन
तीन में पढ़ते हो इतना जल्दी? अच्छा चलो बाय बाय, वालेकुम सलाम, बाय बाय। बच्चे बहुत ही प्यारे थे और गर्मी से परेशान बाहर खेलने निकले थे और यह मार्केट पहुंच गई। हम चले आए रेलवे स्टेशन और अम्मी खूब मज़े ले रही हैं, हवा आ रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ टहलने भी चले आते हैं। हम लोग रेलवे स्टेशन, ये लंबा रेलवे स्टेशन यहाँ से लेके वहाँ तक, मम्मी है भाई। बाहर में कहीं घूमने वाला यहाँ पार्क वगैरह है नहीं हमारे यहाँ, और फील्ड है एक, तो वहाँ अंधेरा रहता है काफ़ी रात में, तो यहाँ हम लोग चले आते हैं स्टेशन पे, काफ़ी लाइट रहती है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ अपना बैठे रहते हैं, हवा भी चलती रहती है स्टेशन के, और हमारे घर के करीब है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ट्रेन जा रही है, फिर हम चले आए मोमोज के शॉप पर मोमोज खरीदने के लिए। यहाँ अम्मी पाती करके हंस रही है दुकान वाले से, और यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, 9:30 बजे तक यहाँ खुली रहती है दुकानें। वैसे मैं बाहर का मोमोज उतना नहीं खाती हूँ, घर पे बना कर ही खाती हूँ, पर आज मूड किया तो मैंने बाहर से ही ले लिया और काफ़ी अच्छा बनाता है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर अभी अभी और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।